हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ तवा पनीर पुलाव। ये बहुत ही इजी सी आसान सी स्पाइसी पनीर पुलाव की रेसिपी है और ये तवे पे आप बनाएंगे। बस आपको थोड़ी सी प्रिपरेशंस करनी है और ये इंस्टेंट पुलाव आपका फटाफट बन जाएगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करिए, बिकॉज़ मैं इसी तरीके की न्यू ईजी वीडियोज़ लेके आऊँगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको 4 से 5 अखी लाल मिर्ची लेना है। अब ये जितनी आपकी तेज़ लाल मिर्ची है उतनी आप कम लेंगे। इसे 15 मिनट के लिए आप गर्म पानी में भिगा लेंगे। 15 मिनट बाद आप इसे लहसुन के साथ और नमक, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा पानी डाल के थिक पेस्ट में पीस लेंगे। अब इस चटनी को आप साइड में रखेंगे, दूसरी प्रिपरेशंस करेंगे। तो मैंने ये पानी लिया है, इसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक डालेंगे। ये चावलों के लिए पानी है। बॉईल आने के बाद इसमें आप 1.5 कप चावल डालेंगे। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा केसरी कलर डाला है, ये ऑप्शनल है। चावलों को आपको 80% जितना पका लेना है। फिर उसका जो पानी है वो निकाल के आप चावलों को भी साइड में रख देंगे। अब एक पैन में आप तेल लेंगे, उसमें डालेंगे पनीर, 250 ग्राम पनीर है ये। इसको क्यूब्स में आपको कट कर लेना है इसी तरीके से और दोनों तरफ से हल्का ब्राउन होने तक के फ्राई कर लेना है। अब हम एक पैन में 2 टेबलस्पून बटर लेंगे और ज़ीरा। फिर इसमें मैंने 1 प्याज डाला है स्लाइस्ड। प्याज को आपको हल्का ब्राउन होने तक के फ्राई कर लेना है। फिर जो आपने मिर्ची और प्याज की लहसुन की चटनी रेडी की है उसे डाल देंगे और इसे आप अच्छे तरीके से भून लेंगे। फिर इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी कच्चापन जाने तक के भून लेंगे। फिर इसमें 1 टमाटर चॉप्ड है, टमाटर को आपको नरम होने तक के पकाना है। इसमें जाएगा नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, इसे सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। फिर इसमें हम बाकी के वेजिटेबल्स डालेंगे। मैंने 1/2 कप कैबेज लिया है और 1/2 कप कैप्सिकम। अब इसे आपको सॉफ्ट होने तक पकाना है सारी वेजिटेबल्स को। इसमें मैंने 1/2 कप मटर भी ऐड किए हैं और फिर कलर थोड़ा सा डाला है और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा पाव भाजी मसाला। अब इन सब वेजिटेबल्स को सॉफ्ट होने तक आप अच्छी तरीके से पका लेंगे। फिर इसके बाद आप इसमें चावल डालेंगे। चावल को आपको 2 हिस्सों में डालना है ताकि आप अच्छी तरीके से पूरा मसाला जो है कोट कर पाएँ। अगर आप एक साथ डाल देंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी सारे चावल मिक्स करने में, चावल जो है आपके टूट भी जाएंगे। तो पुलाव के चावल जो हैं वो अच्छे खुले खुले बनने चाहिए। आपको अगर तेल कम लगे तो थोड़ा सा तेल आप डाल लें। फिर जो पनीर है फ्राई किए हुए वो पूरे आप इसमें डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे, ध्यान से कि आपके चावल भी नहीं टूटे। बस इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर इस पे मैंने धनिया डाला है फ्रेश और 1 नींबू का रस डाला है और आपका पनीर पुलाव जो है वो रेडी हो गया है। बहुत ही इजी सी रेसिपी है ना, और इंस्टेंट है। बस आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करना है। इस तरीके से देखिए खुले खुले चावल भी बने हैं। तो मेरी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। ये मेरा चैनल है, इसे सब्सक्राइब करिए, मेरे लेटेस्ट वीडियोस चेकआउट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।